आप सभी को ये न्यूज मिल ही चुकी है कि क्रिप्टो वर्ल्ड पे, क्रिप्टो कम्युनिटी पे, क्रिप्टो करेंसी पे अब इंडिया में टैक्स लगने जा रहा है। 30% टैक्स अनाउंस कर दिया गया है और 1% TDS भी। तो इन सभी के बारे में आपको न्यूज चैनल्स पे आपको बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट होती हुई दिखी भी होगी, जिसमें से एक न्यूज पे आपको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी, जिसमें बताया जा रहा था कि लॉस पे भी टैक्स लगेगा। तो वो लॉस पे किस तरीके से टैक्स लगेगा, हम इस वीडियो में वही बात करेंगे और इसके अलावा भी जो इसमें है बातें वो भी बात करेंगे। दोस्तों 30% तो टैक्स लगने जा रहा है, तो बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख रहे हैं, क्योंकि टैक्स लगाने का मतलब कि गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रही है, एक लीगल एसेट्स का भी दर्जा मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से लोग पॉजिटिव भी ले रहे हैं और बहुत हो सकता हो कि और आगे आगे जब रेगुलेशन आए तो आगे इसमें टैक्स में छूट भी दी जाए, टैक्स भी कम भी हो जाए। लेकिन चलिए हम फिलहाल में जो टैक्स लगने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये टैक्स लागू हो जाएगा, तो इसमें किस तरीके से आपको लॉस पे भी टैक्स लगने जा रहा है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए लगाएं क्रिप्टो में, 2 लाख रुपए लगाएं, 2 लाख रुपए आपने 2 लाख रुपए आपकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आपने वो पैसे लगाए हुए हैं और इस फाइनेंशियल मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया, तो बचे आपके पास 1 लाख रुपए। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर अभी इस फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स नहीं लग रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट आपको कहेगी कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आपने लॉस किया है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। और इसके अलावा 1 लाख रुपये आपके पास बचे, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 1 लाख रुपए आपके ये हैं, और इस 1 लाख रुपए पे आपने क्या 50,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो ये आपके 1 लाख रुपए थे पहले के, और 1 लाख रुपए जो इस फाइनेंशियल ईयर में वो आपके अकाउंट हुए, तो 1 लाख रुपए पे आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, लेकिन फिर भी 50,000 का आपने प्रॉफिट किया तो फिर भी अभी भी आप 50,000 के लॉस में हैं। तो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और ये आपका 50,000 पे आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 50,000 का प्रॉफिट किया है, और प्रीवियस इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया था। तो दोनों को अगर देखा जाए तो आप अभी भी 50,000 रुपए के लॉस में हैं, लेकिन ये चीज़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको लॉस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये क्रिप्टो कम्युनिटी में ये जो टैक्स लगाया गया है, इस टैक्स सिस्टम में ऐसा होने जा रहा है कि आपको लॉस पे भी इस तरीके से लॉस पे भी प्रॉफिट आपको देना होगा। यानी कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए लगाए, जिसमें से 1 लाख रुपए का आपने लॉस किया, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपए के लॉस पे हैं, ठीक है, 1 लाख के लॉस पे हैं। अब आया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो ये आपके पास जो 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए आपने लॉस किया, तो 1 लाख रुपए थे आपके पास, तो वो 1 लाख रुपए जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गए, तो उस फाइनेंशियल ईयर में 1 ईयर में मान लीजिए कि आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट किया, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया पिछले साल, 1 लाख रुपए का आपने लॉस 1 लाख रुपए का आपने लॉस किया था, तो दोनों मिला के आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन
आपका ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होने की वजह से जो पिछले साल का है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने की वजह से आपका आपके ऊपर टैक्स लगेगा जो आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स लगेगा और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर इसी चीज़ को आप टैक्स से बच सकते हैं, अगर इसी चीज़ को आप सेल नहीं करते हैं, अगर आपने आप 1 लाख रुपए के लॉस पे हैं और आपने उस जो भी क्वाइंस जो भी क्रिप्टो खरीद जो आपके पास है उसे उसे आपने सेल नहीं किया, आपने सेल नहीं किया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया तो आपका ये टैक्स नहीं लगेगा, आप टैक्स से बच जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बार बार बैंक के ट्रांजेक्शन ना करें, बार बार आप बार बार बहुत ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन ना करें, इसी वजह से ये इस तरीके से किया गया है। तो आप इस तरीके से भी टैक्स से बच सकते हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन ना करें। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके अलावा आपका गिफ्ट पे भी आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट में क्या है कि गिफ्ट में अगर ब्लड रिलेशन में आप गिफ्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अगर आप खुद अपने ही एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं, एक यूनियन बैंक का है और एक HDFC बैंक का है, यूनियन बैंक के किसी वजह से सर्विसेज ठीक नहीं चल रही हैं तो आप उस पैसे को यूनियन से HDFC में ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास दो एक्सचेंज हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास वजीर एक्स है, बाइनेंस है, तो वजीर एक्स से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करेंगे अपने ही अकाउंट में भेजेंगे तो आपका वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से है, और किसी और को गिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका टैक्स लगेगा। तो इस चीज़ को जो क्रिप्टो वर्ल्ड है, जो इंडिया के बाहर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं और जो कंपनीज हैं, इसको पॉजिटिव वे में ले रही हैं और ये आगे चल के हो सकता हो कि ये टैक्स इतना ना रहे, क्योंकि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स ये लग रहा है ये क्रिप्टो वर्ल्ड में ही लगने जा रहा है। अभी तो ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें बहुत सारे सुझाव जाएंगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस के सवाल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल वहां पे जाएंगे, तो इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अभी ये शुरुआत है टैक्सेशन सिस्टम की, तो इसे देख के आपको घबराना नहीं है और पैनिक में आके सेल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लॉस में हैं तो आप बिल्कुल सेल मत करिएगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप आसानी से सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आपको क्रिप्टो में लॉस हुआ है और किसी और जगह और जहाँ पे भी आप टैक्स देते हैं, और मान लीजिए कि शेयर बाज़ार में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये एक दूसरे में आपका मर्ज नहीं होगा। ये नहीं आप दिखा सकते हैं कि आपने 50,000 का क्रिप्टो में लॉस किया है और 50,000 का वहाँ पे प्रॉफिट किया है शेयर बाज़ार में, तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके दिखा के ये नहीं कह सकते हैं कि हम ना प्रॉफिट में हैं ना लॉस में हैं। ये आपका क्रिप्टो का टैक्स वाला सिस्टम बिल्कुल अलग होगा और जो अदर जगह से आप टैक्स देते हैं उसका टैक्स का सिस्टम अलग होगा। तो आप यहाँ पे ये दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं और भी धीरे धीरे चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती जाएंगी, और आपको भी जो कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम भी उसे क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।